राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पर्यटन के सहयोग से आज रामबन जिला के बुट्टू से 6 दिवसीय ट्रैकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाई है। इस आयोजन के दौरान जो है नागरिक और साथ ही साथ जो है इलाके के गणमान्य व्यक्ति और मीडिया कर्मी जो है उपस्थित नजर आए। इस आयोजन के लिए खिलाड़ियों, ब्लॉगर्स, फोटोग्राफर्स और स्थानीय हस्तियों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से 17 उत्साही ट्रैकर्स जो है एक साथ इकट्ठा हुए। इनमें स्थानीय और बाहरी ट्रैकर्स के स्वास्थ्य मिश्रण के साथ 9 महिला और 8 प्रत्यावर्गी जो है शामिल नजर आए हैं। अगर बात की जाए तो ये ट्रैक सुरमय नील घाटी से शुरू हुआ और राजसी पीर पंजाल पर्वतमाला में जो है गुजरते हुए झील, झरनों और अलग अलग चोटियों को पार करेगा और 13 अक्टूबर को लब्बर ग्राउंड में बनिहाल में युवा महोत्सव में दौरान जो है संपन्न किया जाएगा। इस दौरान अगर बात की जाए तो देशभक्ति, महिला सशक्तिकरण और इसके साथ साथ स्वरोजगार का प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय युवाओं की तरफ से भी कई तरीके से आयोजन किए जाएंगे। साथ ही साथ स्थानीय व्यंजन जो हैं वे भी यहां पर लोगों को अवगत कराने के लिए लगाए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्र में सामान्य स्थिति लौटे और साथ ही साथ लोगों को रोजगार के मौके जो है उपलब्ध करवाए जा सके। उम्मीद है कि ऐसे ही कई आयोजन जो है भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। मेरा नाम चौधरी राबिया स्पीक है और मैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और इस ट्रैकिंग के लिए हमें इनवाइट किया गया था बाय द इंडियन आर्मी और जो कोलैबोरेट किया है इन्होंने जेके टूरिज्म के साथ में। फिलहाल हम आज नील टॉप पहुँचे हैं ट्रैकिंग करते हुए और अभी फिलहाल 6 से 7 दिन हमें ट्रैकिंग करना है। जितने भी खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत यहाँ पे पहाड़ हैं, उन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे बानिहाल के। और जो लोगों का आज इन तक पर्सपेक्टिव रहा है कि यहाँ पे डरते थे लोग आज इन तक आने में पहाड़ों सुनते ही, तो वो एक पर्सपेक्टिव हम चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर करके। और ये पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं जस्ट बिकॉज़ कि इंडियन आर्मी हमें यहाँ पे ला रही है, बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ पे पहुँचा रही है। उन्होंने इस जगह को काफ़ी सैनिटाइज कर दिया है बहुत हद तक, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह और एक अच्छा मैसेज बाहर तक लाएंगे। फिलहाल मैं ये तो नहीं कहूँगी किन किन जगहों पे हम जा रहे हैं बिकॉज जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन आप सबसे फिर से मुलाकात होगी और जितनी भी ये जर्नी यहाँ पे रही है, जितना हम एक्सप्लोर यहाँ पे कर पाएंगे वो एक्सपीरियंस आपके साथ तब अच्छे से शेयर हो पाएगा। एक वक्त मैं एडवोकेट रिया सरकार हूँ, प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली मैं असम से हूँ और प्रोफेशनली मैं दिल्ली में सेटल हूँ। ये इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मानती हूँ और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिया गया है, ना ही जे एन के लोगों के लिए बाकी आउटसाइडर्स के लिए भी। हम आए इतने दूर से एंड इट इज़ रियली आई एम वेरी 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 मच ग्रेटफुल। एंड आप लोग देख पा रहे हो द अरेंजमेंट, द लाइक परफेक्टली अरेंज्ड एंड कहीं पे भी कोई भी कमियां नहीं छोड़ी है एंड इट इज़ रियली परफेक्ट एंड रियली आई एम सो लकी। हेलो, मेरा नाम श्वेता है, मैं मुंबई से हूँ। मैं बेसिकली फोटोग्राफर हूँ एंड आई प्रोड्यूस कंटेंट और मैं इंडियन आर्मी की वजह से ये ट्रैक पे हूँ। उन्होंने इनवाइट किया मुझे एंड बहुत मज़ा आ रहा है। कभी मुंबई में इतना सही वातावरण नहीं होता, बहुत पोल्यूशन होती है, बट यहाँ के पूरा चेंज लग रहा है और इतना मतलब हमारा इंडिया इतना सुंदर है, स्पेशली जो कश्मीर के लिए बोलते हैं हर सीज़न में आना चाहिए, तो वो सच लग रहा है मेरे को आके एंड इट्स ब्यूटीफुल। तो वहाँ एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, ये इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया है इन कलेबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट जो J&K है। और ये 8 अक्टूबर से, आज जो 8 अक्टूबर है, यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा और ये चलेगा अप टू 13 अक्टूबर प्रोग्राम रहेगा। और ये जो ट्रैक है ये ऑर्गेनाइज़ किया है इस पर्पज़ के लिए कि आप जो कि खूबसूरती है इस एरिया की उसको शोकेस कर सको, ना कि इंडिया में बट वर्ल्ड में, क्योंकि कश्मीर का पार्ट है ये बनिहाल, J&K का पार्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत है, जाना जाता है अपने पासिस की वजह से, जैसे महू वैली हो गई है, बनिहाल पास हो गया है, डोबा टाप, दादना टाप, बहुत सारे इस जो बाउल है बाउल की तरह ये बनिहाल है। और ये जो टॉप्स हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, ना कि ये समर ट्रैक के लिए जाना जाता है बल्कि जो विंटर ट्रैक है उसके लिए भी ये बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। और मैं आपको ये और भी बताना चाहूँगा क्योंकि मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हूँ, तो
हमारी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम है होम स्टे स्कीम लॉन्च की गई है, और वो स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट रामबन में अगर देखा जाए तो बनिहाल और महू एरिए को कैच करने के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं बनिहाल के जो अपने घर को होम स्टे के लिए देना चाहते हैं, तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में ऑफिस में अप्रोच करके अपने होम स्टे को रजिस्टर करवाएं। बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है इसमें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इवन कि उसमें आपको असिस्टेंस भी दिया जाएगा 1 लाख के अराउंड, और सब्सिडी भी है। तो जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है, हम उनको अगर अपना यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की हेरिटेज अगर शोकेस करें तो इसको हम एक टूरिस्ट के मैप पे इस एरिया को ला सकते हैं। तो होम स्टे आज भी अवेलेबल हैं, और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं अपने होम स्टे को वो शोकेस करें, वेबसाइट पे शोकेस करें, ताकि जो भी आने वाला टूरिस्ट है और जो भी आने वाले टाइम में अगर ट्रैक ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उनके लिए कंफर्टेबल वो यहाँ पे रह सके। तो टूरिज़्म के लिए ये बहुत ही फेमस स्पॉट है, एडवेंचरस है, जो भी एडवेंचर लविंग है वो यहाँ आ सकते हैं, चाहे वो समर में आए चाहे विंटर्स में आए, बहुत सीजन्स में ये ऑसम आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। तो जो लोग आना चाहते हैं बनिहाल से, मेहरान वानी की रिपोर्ट।